of it now. So this is how it looks as a parent in the program. And this is आपकी मदर अल्लाह ताला आपको इतनी जजा आपने ऐसे बेटे कौम को दिया जिन्होंने अपनी जान इस मुल्क की मिट्टी को दी इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैं आपका इस कौम की तरफ से जितना भी शुक्र और शुक्रिया अदा करूँ मैं नहीं कर सकती और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला ने जो इनामात शुहदा के लिए रखे हुए अल्लाह ताला उनको भी और आपको भी जो उनकी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए हैं अल्लाह ताला आप सबको भी इसकी जजा हम आपके एहसान का बदला नहीं दे सकते बेटा मेरे दो भाई शहीद हैं कारगिल वॉर में शहीद हुए थे अरे क्या जज्बा होता है ये मैं तो नहीं समझ तो बस हमारे और आज अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने निजात की ये और आज अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने निजात दिए दहशत ये कुर्बानियाँ हम आपके मुख्य से आपके साथ आपने मेरे मुल्क को हम उस जगह पे खड़े हैं जिना हाउस जिसको जिना हाउस मोहम्मद अली जिना हाउस कहते हैं और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम से मंसूब है और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना जिसकी वजह से आज आप और मैं हम सब आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं मुझे अंदाज़ा था कि पिछले साल 9 मई को जिस तरह रियासत पे हमला हुआ वो एक स्याह तरीन दिन था पाकिस्तान की तारीख में लेकिन आज जब मैंने अंदर जा के जिना हाउस का विज़िट किया तो मैं ये सोचती रही कि कोई किस तरह का पाकिस्तानी होगा वो कहाँ से ये दिल लाएगा कि उसने आज जिना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की यादगार पे जिस तरह हमला किया जिस तरह उसको नज़र आतिश किया जिस तरह उसको राख का ढेर बना दिया और वो जगह जहाँ पे कायदे आज़म की पर्सनल बिलोंगिंग्स कभी होती थी जो हमारी एक नेशनल प्राइड थी उस पर हमला किया उसके लिए क्या दिल चाहिए होगा कितना ज़ालिम दिल चाहिए होगा उसके लिए क्योंकि एक पाकिस्तानी जो अपने वतन से मोहब्बत करता है अपनी कौम से मोहब्बत करता है वो कभी इस तरह की किसी चीज़ का सोच भी नहीं सकता और उसके लिए कोई जैसे कहते हैं ना कि दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता तो आज हमने देख लिया आज जो मैं अंदर देख कर आई हूँ मुझे ये यकीन हो गया है कि दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता और जो इस तरह की हरकत मज़मूम हरकत कर सकता है स्याह हरकत कर सकता है वो एक सियासी जमात नहीं हो सकती उसके लिए मैं ये अपने दिल से समझती हूँ कि वो एक दहशतगर्द जमात थी जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये हमला किया और ये एक पूरी मेंटालिटी है कि जो चीज़ आपको जमहूरी तरीके से जमहूरी जद्दोजहद से हासिल ना हो जाए उसको दहशतगर्दी और बदमाशी से हासिल कर लो तो मैं आज उन लोगों से भी सवाल पूछती हूँ चाहे वो
पाकिस्तान की जो अदलिया है जो इन केसेस को देख रही है, 9 मई के केसेस को देख रही है, या वो मीडिया के कुछ अनासर हो जो इस बात पे सवाल करते हैं कि ये लोगों को अंदर क्यों रखा हुआ है, ख्वातीन को अंदर क्यों रखा हुआ है। भाई जिन ख्वातीन ने, जिन मर्दों ने, जिन्होंने ये हमला किया पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात के ऊपर, जिन्होंने कायद आज़म की यादगार पर हमला किया, जिन्होंने शहदा की जो यादगारें हैं और जो उसके तकद्दस पर हमला किया, वो सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। और मुझे ये कहा जाता है कि एक खातून चीफ मिनिस्टर पंजाब आई है, तो जो ख्वातीन 9 मई के क्राइम्स में जेलों में बंद है वो उनको छोड़ती नहीं। भाई मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली? उन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मिट्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने ये इतना जो घिनौना अगर उन्होंने अमल किया है, तो मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली? ये तो एक बड़ी नामुनासिब बात है। तो फिर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और कहा कि 9 मई को, अब ये 2-3 दिन पहले मैं सुन रही थी कि अपने झंडे, अपने जो घरों पर झंडे लगाएं तहरीके इंसाफ के। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप तो ये कहते थे कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ किया गया है, आपके रिश्तेदारों को लोगों ने यहाँ बाहर देखा, लोगों को कॉल्स करते देखा कि आओ और मुल्की तनसीबात पर, दिफाई तनसीबात पर कायद आज़म के घर पे हमला करो, और उन्होंने आपकी कॉल पे लबैक किया। ये बहुत, मैं पहले से कहती थी कि ये बड़ा 3-4 महीने इसकी बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग की गई, दहशतगर्दों से तरबियत दिलवाई गई इन लोगों को, और ये जो 9 मई को हुआ है, ये कभी मैंने, ये दहशतगर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। आज मैं शहदा की फैमिली से भी मिली हूँ, उनके वरसा से मिली हूँ, उनकी माओ से मिली हूँ, उनके भाइयों से मिली हूँ, उनकी फैमिलीज से मिली हूँ, और यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह से शहदा की यादगारों को जलाया गया, नज़र आतिश किया गया, उनको डेसिक्रेट किया गया, उनको उनकी बेहुर्मती की गई, और पूरी कौम ने वो मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखे। वो उस दिन कौम के दिल पर हमला किया गया था, हमारे सब के दिलों पर हमला किया गया था, पूरी कौम ने वो मनाजिर देखे कि एक स्टिक के ऊपर आपने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो वर्दी है वो टांगी हुई थी, और फिर आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, आपके ख़ानदान का भी इससे ताल्लुक़ है, और जिनको आपने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने, उनका भी इनसे ताल्लुक़ है। और मैं आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपके मुल्क, आप अदलिया में, जाहिर है जो जजेज़ हैं उनके दिल में वतन की मोहब्बत होगी, हम जो करते हैं अपने मुल्क की खातिर करते हैं, अपनी मिट्टी की खातिर करते हैं, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला किया सियासी जमात की आड़ में, जिन लोगों ने इक्तदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, जिसको पूरी कौम ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही, उनको बेल्स क्यों मिल जाती हैं, क्यों उनको जो ये घिनौना जो अमल उन्होंने किया उसको, उसकी सज़ा नहीं मिलती? मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। और ताकत से, बदमाशी से इक्तदार हासिल करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दों की सोच है। और हमें कहा जाता है उनसे बात करो, हम क्यों बात करें भाई, वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। अल्लाह ताला शुहदा के वरसा को, उनके ख़ानदानों को हिम्मत और हौसला दे कि वो दुख जो उनको मिला है, अल्लाह ताला उनको उसको फेस करने की हिम्मत दे, हौसला दे। पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, और मैं उनको देख के ये पूछ रही थी कि पता नहीं ये क्या जज्बा होता है कि आपको पता होता है कि आपका बेटा या आपका शौहर या आपका बाप या आपका भाई अब जहाँ जा रहा है, पता नहीं वो ज़िंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप सोचें कि वतन से मोहब्बत का क्या जज्बा होता है कि इंसान कहता है अगर ये इसकी कुर्बानी भी मुझे देनी पड़ी तो मैं दूंगी। और आप एक सेकेंड, नहीं, कोई सियासी नारा आज ना लगाएं, ये सियासत करने का वक्त नहीं है। और मैं आज ये पूछना चाहती हूँ
कि जिन्होंने 9 मई को हमला किया था एक साल पहले रियासत पाकिस्तान पर, क्या एक लफ्ज़ कभी किसी ने उन दहशतगर्दों से निदामत का सुना? क्या एक शहीद से, उसके अहले खाना से किसी ने माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ा ये एक क्राइम किया है? मैंने तो आज तक कम अज़ कम नहीं सुनी। तो कोई बजाय इसके कोई मलाल होता, कोई शर्मिंदगी होती, कोई शर्म होती, उल्टा ये कहा जाता है कि हम पर सियासी मजालिम हो रहे हैं। ये सियासी मजालिम नहीं हो रहे। आज आप जो काट रहे हैं वो खुद आपने बोया है और आपने अपने मुल्क को आग लगा के बोया, और ये कोई छोटा जुर्म नहीं, इसकी सज़ा आपको इंशाल्लाह मिल के रहेगी। तो जिन्होंने, मैं अफवाज पाकिस्तान, जिन्होंने वो जो जिनाह हाउस का जो हिस्सा था, जिसको इन्होंने मोहम्मद अली जिनाह की याद में एक गैलरी बना दिया, म्यूज़ियम बना दिया, जिसमें मोहम्मद अली जिनाह की उन्होंने हर चीज़ जो है उसमें रखी है, वो याद, उसको यादगार बना दिया है। तो मैं उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और इसको रिस्टोर करने पे, क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी कौम को, मुल्क को खोखला करना चाहें या करने का इरादा करें, तो आप उसकी नेशनल प्राइड पे हमला करें। तो ये हमारी नेशनल प्राइड पे हमला था, जिसको रिस्टोर करने की इन्होंने जो कोशिश की है, उस पे मैं पूरी कौम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं, आप सब मेरे साथ ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने भी शहीद हैं आज के दिन तक, अल्लाह ताला सब के दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा रहता है, लेकिन तुम्हें इसकी खबर नहीं। तो अल्लाह ताला अपने बेहतरीन ख़जानों से उनको अता फरमाए, जो उन्होंने, अल्लाह ताला ने शहीदों के लिए रखे हुए हैं। और अल्लाह ताला उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके वरसा हैं, उनके लवाकीन हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जिनाह हाउस लाहौर में शहदा के लवाहिकीन से। पिछले साल 9 मई को जिस तरह रियासत पे हमला हुआ, वो एक स्याह तरीन दिन था पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन आज जब मैंने अंदर जाके जिनाह हाउस का विज़िट किया, तो मैं ये सोचती रही कि कोई किस तरह का पाकिस्तानी होगा, वो कहाँ से ये दिल लाएगा कि उसने आज जिनाह, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की यादगार पे जिस तरह हमला किया, जिस तरह उसको नज़र आतिश किया, जिस तरह उसको राख का ढेर बना दिया। और वो जगह जहाँ पे कायदे आज़म की पर्सनल बिलोंगिंग्स कभी होती थी, जो हमारी एक नेशनल प्राइड थी, उस पर हमला किया, उसके लिए क्या दिल चाहिए होगा, कितना ज़ालिम दिल चाहिए होगा उसके लिए। क्योंकि एक पाकिस्तानी जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपनी कौम से मोहब्बत करता है, वो कभी इस तरह की किसी चीज़ का सोच भी नहीं सकता। और उसके लिए कोई, जैसे कहते हैं ना कि दहशतगर्दों के सीने में दिल नहीं होता, तो आज हमने देख लिया। आज जो मैं अंदर देख कर आई हूँ, मुझे ये यकीन हो गया है कि दहशतगर्दों के सीने में दिल नहीं होता। और जो इस तरह की हरकत, मज़मूम हरकत कर सकता है, स्याह हरकत कर सकता है, वो एक सियासी जमात नहीं हो सकती। उसके लिए मैं ये अपने दिल से समझती हूँ कि वो एक दहशतगर्द जमात थी, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये हमला किया। और ये एक पूरी मेंटालिटी है कि जो चीज़ आपको जमहूरी तरीके से, जमहूरी जद्दोजहद से हासिल ना हो जाए, उसको दहशतगर्दी और बदमाशी से हासिल कर लो। तो मैं आज उन लोगों से भी सवाल पूछती हूँ, चाहे वो पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो इन केसेस को देख रही है, 9 मई के केसेस को देख रही है, या वो मीडिया के कुछ अनासर हो जो इस बात पे सवाल करते हैं कि ये लोगों को अंदर क्यों रखा हुआ है, ख्वातीन को अंदर क्यों रखा हुआ है। भाई, जिन ख्वातीन ने, जिन मर्दों ने, जिन्होंने ये हमला किया पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात के ऊपर, जिन्होंने कायदे आज़म की यादगार पर हमला किया, जिन्होंने शहदा की जो यादगारें हैं और जो उसके तकद्दस पर हमला किया, वो सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं।
और मुझे ये कहा जाता है कि एक खातून चीफ मिनिस्टर पंजाब आई है, तो जो खवातीन 9 मई के क्राइम्स में जेलों में बंद है वो उनको छोड़ती नहीं, भाई मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली। उन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मिट्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने ये इतना जो घिनौना अगर उन्होंने अमल किया है, तो मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली। ये तो एक बड़ी नामुनासिब बात है। तो फिर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और कहा कि 9 मई को, अब ये 2-3 दिन पहले मैं सुन रही थी कि अपने झंडे, अपने जो घरों पर झंडे लगाएं तहरीक इंसाफ के। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप तो ये कहते थे कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ किया गया है, आपके रिश्तेदारों को लोगों ने यहाँ बाहर देखा, लोगों को कॉल्स करते देखा कि आओ और मुल्की तनसीबात पर, दिफाई तनसीबात पर कायदे आज़म के घर पे हमला करो, और उन्होंने आपकी कॉल पे लबैक किया। ये बबहुत, मैं पहले से कहती थी कि ये बड़ा 3-4 महीने इसकी बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग की गई, दहशतगर्दों से तरबियत दिलवाई गई इन लोगों को, और ये जो 9 मई को हुआ है ये कभी मैंने, ये दहशतगर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। आज मैं शुहदा की फैमिली से भी मिली हूँ, उनके वरसा से मिली हूँ, उनकी माओं से मिली हूँ, उनके भाइयों से मिली हूँ, उनकी फैमिली से मिली हूँ, और यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह से शुहदा की यादगारों को जलाया गया, नज़र आतिश किया गया, उनको डेसिक्रेट किया गया, उनको उनकी बेहुर्मती की गई, और पूरी कौम ने वो मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखे। वो उस दिन कौम के दिल पर हमला किया गया था, हमारे सब के दिलों पर हमला किया गया था, पूरी कौम ने वो मनाजिर देखे कि एक स्टिक के ऊपर आपने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो वर्दी है वो टांगी हुई थी, और फिर आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, आपके ख़ानदान का भी इससे ताल्लुक़ है, और जिनको आपने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने उनका भी इनसे ताल्लुक़ है। और मैं आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपके मुल्क, आप अदलिया में, जाहिर है जो जजेज़ हैं उनके दिल में वतन की मोहब्बत होगी, हम जो करते हैं अपने मुल्क की खातिर करते हैं, अपनी मिट्टी की खातिर करते हैं, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला किया सियासी जमात की आड़ में, जिन लोगों ने इक्तदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, जिसको पूरी कौम ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही, उनको बेल्स क्यों मिल जाती हैं, क्यों उनको जो ये घनौना जो अमल उन्होंने किया उसको, उसकी सज़ा नहीं मिलती, मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। और ताकत से, बदमाशी से इक्तदार हासिल करना ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दों की सोच है। और हमें कहा जाता है उनसे बात करो, हम क्यों बात करें भाई, वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। अल्लाह ताला शुहदा के वरसा को, उनके ख़ानदानों को हिम्मत और हौसला दे कि वो दुख जो उनको मिला है, अल्लाह ताला उनको उसको फ़ेस करने की हिम्मत दे, हौसला दे। पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, और मैं उनको देख के ये पूछ रही थी कि पता नहीं ये क्या जज्बा होता है कि आपको पता होता है कि आपका बेटा या आपका शौहर या आपका बाप या आपका भाई अब जहाँ जा रहा है, पता नहीं वो ज़िंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप सोचें कि वतन से मोहब्बत का क्या जज्बा होता है कि इंसान कहता है अगर ये इसकी कुर्बानी भी मुझे देनी पड़ी तो मैं दूंगी। और आप एक सेकंड, नहीं, कोई सियासी नारा आज ना लगाएं, ये सियासत करने का वक्त नहीं है। और मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने 9 मई को हमला किया था एक साल पहले रियासत पाकिस्तान पर, क्या एक लफ्ज़ कभी किसी ने उन दहशतगर्दों से निदामत का सुना? क्या एक शहीद से, उसके अहले खाना से किसी ने माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ा ये एक क्राइम किया है? मैंने तो आज तक कम से कम नहीं सुनी। तो कोई बजाय इसके कोई मलाल होता, कोई शर्मिंदगी होती, कोई शर्म होती,
उल्टा ये कहा जाता है कि हम पर सियासी मजालिम हो रहे हैं, ये सियासी मजालिम नहीं हो रहे। आज आप जो काट रहे हैं वो खुद आपने बोया है और आपने अपने मुल्क को आग लगा के बोया, और ये कोई छोटा जुर्म नहीं, इसकी सज़ा आपको इंशाल्लाह मिल के रहेगी। तो जिन्होंने मैं अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने वो जो जिना हाउस का जो हिस्सा था, जिसको इन्होंने मोहम्मद अली जिना की याद में एक गैलरी बना दिया, म्यूज़ियम बना दिया, जिसमें मोहम्मद अली जिना की उन्होंने हर चीज़ जो है उसमें रखी है, वो याद उसको यादगार बना दिया है, तो मैं उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसको रिस्टोर करने पे, क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी कौम को, मुल्क को खोखला करना चाहें या करने का इरादा करें, तो आप उसकी नेशनल प्राइड पे हमला करें। तो ये हमारी नेशनल प्राइड पे हमला था, जिसको रिस्टोर करने की इन्होंने जो कोशिश की है, उस पर मैं पूरी कौम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं, आप सब मेरे साथ ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने भी शहीद हैं आज के दिन तक, अल्लाह ताला सब के दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।